खाना है? ये क्या है? पनीर कुलचा। मायरा की सेकंड ड्रेस। हम जा रहे हैं बाहर डिनर करने। कहाँ जा रहे हैं? खा लिया तूने? खा लिया? मीट लेके चलो ले लो, खा लो। खा लिया? खा लो, मैं खा लूँ। खा लो, कोई बात नहीं। दिया उसने मटर नहीं खा रही। चलो नहीं, अरे कपड़ों से नहीं। मेरा पोछा तो नहीं आपने कपड़ों से बेटा? नहीं पोछा मेरे बेटे ने। अभी इस वाली ड्रेस में ना वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कर लेंगे। मैं जल्दी में कर नहीं पाई। एक बार दिखा दो, एक बार ऐसे खड़े हो। पति देव। अच्छा मैं कह रही हूँ ये क्या हो रहा है यार? तुम ये कह रहे थे और ये और बस हम लोग डिनर के लिए आ गए। अपना वही फेवरेट। बताओ अगर आप इस टाइम पे समझ गए हो ना कि हम मोस्टली कहाँ डिनर करने आते हैं, तो अभी टाइम के साथ कमेंट करो और बताओ कि हम कहाँ आए हैं। बाकी तो मैं तो आपको बता ही रही हूँ कि अगली क्लिप में मैं आपको बता देती हूँ हम कहाँ आए हैं। ठीक है, बस गाड़ी पार्क कर देते हैं और मायरा बैठी है दादी के साथ अपनी, मतलब दूसरी गाड़ी में जिसमें बाकी सब है, वैसे ही बैठे हैं बिल्कुल आज भी जैसे कल बैठे थे जब हम रात को डिनर पे जा रहे थे टोनी के बर्थडे के डिनर पे। बस आज ये है कि ये ऐड हो गया आज हमारे साथ। ये कल नहीं था, ये वो रही मारा। सॉरी मुझे, क्योंकि खांसी हो गई है तो पैर तक मुझे ठीक लग रहा था बट मुझे फिर से फीवरिश लग रहा है। और हम लोग आए हैं जी, आप लोगों ने पता नहीं क्या गेस करा। अगर सही गेस करा होगा ना तो यार बिल्कुल चीटिंग मत करना, मैं बस आपको दिखा रही हूँ। सैंडोज आए हम, बुक करवा लो। क्या खाना है बताओ तुम? पानी दे रही हूँ। क्या खाना है इधर देख के बताओ क्या खाना है? क्या खाना है? ऐसे नहीं करते हमारा, गंदा है ना वो। पहले बताओ क्या खाना है? क्या खाना है हमारे? ये क्या कर रहे हो? वॉश नहीं करा बेटा? क्या खाना है? क्या ऑर्डर करा है अपने लिए? चिली पोटैटो। दो दिन बाहर का खाना हो गया भाई, अब कुछ भी नहीं है। दूर दूर तक अब कुछ भी नहीं है, कोई सेलिब्रेशन, कोई बर्थडे, कुछ नहीं है। अब घर में आराम से बैठेंगे। शैली दीदी का आ रहा है ना 12 को भी, वो तो वहाँ है ना शैली दीदी का, तो अब यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है। हाँ सब बैठ रहे हैं वहाँ भी गाड़ी में पीछे, हम भी बैठते हैं अपनी 10 दिन बाद। किसी किसी लाइट में फेस कितना अच्छा लगता है, इस वाली लाइट में फेस कितना सही लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत खराब थी नहीं, है ना? लाइट अच्छी आ रही है ना? बाय। हेलो, ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अमेजोन के कुछ प्रोडक्ट शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। एंड ये प्रोडक्ट शेयर करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अमेजोन पे स्टार्ट होने वाली है मेगा फैशन डे सेल, जो कि स्टार्ट हो जाएगी 7 अप्रैल से एंड वो रहेगी 11 अप्रैल तक। एंड उसके बाद अमेजोन पे स्टार्ट हो जाएगी स्पोर्ट्स मनिया सेल, जो कि रहेगी 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक। तो बहुत ही अमेजिंग टाइम है ये वाला। मैं अपनी विशलिस्ट हमेशा रेडी रखती हूँ, मतलब जो भी मुझे प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं मैं उनको विशलिस्ट में ऐड करती रहती हूँ और वेट करती हूँ किसी सेल का। तो उस टाइम पे बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स मिल जाते हैं, तो आप बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। अगर आपके कोई फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं तो आप इस टाइम पे परचेज कर सकते हैं। तो चलो जल्दी से हॉल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये ली है काई, काई काई ही प्रोनाउंस करते हैं, CAI, आई डोंट नो क्या प्रोनाउंस करते हैं। बट इसकी सबसे पहले फ्लैट्स मैंने काफ़ी टाइम से नहीं लिए, बट अब समर्स आ गए तो मुझे फ्लैट्स चाहिए होती हैं, तो इस तरह की कुछ मैंने ली हैं। ये देखिए कुछ ऐसे हैं, ब्लैक कलर की हैं एंड स्ट्रैप्स हैं दो, एंड इस पे बहुत ही प्यारे से स्टोन्स हैं। सिंपल सी है, बहुत ही फ्लैट है, मुझे फ्लैट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। शुरू से ही मुझे हील्स नहीं पसंद है, एंड जो मेरा साइज है ना वो 36 है। ये देखिए, तो फर्स्टली है मैंने ये स्लीपर फ्लैट्स। इसके बाद
ये तो मेरी मतलब जीन्स पे, ड्रेस पे, सब पे चल जाएंगे, इवन सूट्स पे भी चल जाएगी ये वाली। बट एक और मैंने बिल्कुल अलग से ली है, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये कुछ इस तरह से है, जयपुरी राजस्थानी कुछ ऐसा स्टाइल आप इसको कह सकते हो। उसमें घुंघरू भी है एंड ये प्रॉपर मतलब सूट्स वगैरह के साथ ही अच्छी लगी। जीन्स पे भी पहन सकते हो यार, आप अपने हिसाब से किसी भी तरह से फैशन को कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, ये थोड़ी मैंने ये स्पेशली सूट्स के लिए है तो के लिए है। नेक्स्ट मैंने और ये दोनों स्लीपर्स लिए हैं, इससे मेरे निकल जाएंगे समर्स। अभी और भी मेरे पास स्लीपर्स पड़ी हैं। इसके बाद जैसे कि अभी आप मेरे फेस की हालत देख रहे हैं, इसके लिए भी मैंने थोड़े से प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिए हैं कुछ कुछ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इससे। तो ये है वायो का ब्राइटनिंग विटामिन सी फेस शीट मास्क, के लिया है मैंने। इसके बहुत ही अच्छे रिव्यू पड़ रही थी तो मैं इसको ट्राई करूंगी। विटामिन सी मैंने वैसे में भी लगाना शुरू करा है सीरम्स वगैरह में, तो मेरे को एक शीट मास्क दिखा तो मैंने कहा चलो इसको भी ट्राई करते हैं, तो ये लिया है। नेक्स्ट मैंने इसके बाद मैंने मेरे फेस पे पता नहीं क्या हुआ है, एक्ने क्या हो गया, तो फिर मैंने सेनफे का एक्ने पैच भी लिया है। इससे मुझे ज्यादा कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ा। आई थिंक ये तब के लिए जब थोड़ा बम्प टाइप होता है ना, बट अभी मेरे बैठ गए, सिर्फ इसके स्कार्स हैं तो आई थिंक उस पर वर्क नहीं करेगा। बट अगर कभी वैसे तो ना हो, बट अगर फ्यूचर में होते हैं तो मैं इसको जरूर ट्राई करूंगी पैच। इसके बाद मायरा के लिए और अपने लिए ये थोड़े से स्टोन्स लिए, बहुत चल रहे हैं आजकल हेयर हेयरडू में, तो पोनी या कुछ ओपन हेयर करने के लिए ये लिए हैं। नेक्स्ट स्टोन्स, इससे आप जरूरी नहीं है हेयर में, ये बच्चे एक्टिविटीज में स्कूल में यूज करते हैं घर में, तो ये लिए हैं मैंने। इसके बाद मैंने बहुत ही प्यारा सा मॉइस्चराइजर लिया है जिसको मैं बहुत टाइम से लेना चाहती हूँ, जिसकी बहुत ज्यादा हाइप है, आपने देखा होगा काफी जगह पर इसको। तो ये है पोंड्स का सुपर लाइट जेल, नॉन स्टिकी, फ्रेश फील एंड ट्रस्ट में, मैंने अभी इसको अप्लाई भी करा, ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड है। सो आप इसको मेकअप से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं मॉइस्चराइजिंग के लिए एंड डेली में भी यूज कर सकते हैं, तो ये लिया है मैंने। नेक्स्ट और इसके बाद मैंने लिया है एक ये सबसे एप्लीकेटर, ये मैंने अपने पिंपल्स के लिए ही लिया था। आई डोंट नो मैंने क्यों लिया, बट इसको टच नहीं करना चाहिए पिंपल्स पे, मैं इसको बस ऐसे ही रखूंगी, बट ये मैंने ले लिया, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। मैंने देखा था टच नहीं करना चाहिए पिंपल्स को, मैं सोचा था इससे ब्रेक कर दूंगी उनको और फिर वो ठीक हो जाएंगे, बट नहीं करना चाहिए, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। हाथ लगाने से और ये सब करने से ही मेरे को ये हुआ है, तो मत करना, ये मत लेना अगर आपको इस चीज के लिए चाहिए। बाकी हाँ, ये इसमें एक साइड ब्लैकहेड एप्लीकेटर भी है, मुझे ब्लैकहेड्स नहीं है, टचवुड में क्यों कह रही हूँ मुझे हो जाएंगे, तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैंने लिया है बहुत ही प्यारा सा चीकू का नेचुरल सेंसेशन स्वीट परफ्यूम, ये मायरा के लिए लिया है, बिल्कुल नेचुरल। अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी भी है ना तो आप उसके लिए भी इसको ले सकते हैं, बिकॉज ये बिल्कुल नेचुरल है और मायरा के लिए, मायरा काफ़ी टाइम से इसको यूज़ करी है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने अपने लिए लिया है रेने का ये मिस्ट, इसका मैंने पहले लास्ट टाइम एक और लिया था ब्लूम लिया था, और इस टाइम पे मैंने लिया है डार्क डिजायर ये वाला, और बहुत ही अच्छा है यार, वाओ। बजट फ्रेंडली है, 299 रुपीस का है, बहुत ही अच्छा है, एक बार यूज करो, पॉकेट फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ग्लास की बॉटल है, बहुत ही अच्छी आउटर पैकेजिंग एंड बहुत ही अच्छा सा है, ये लिया है मैंने। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट ली है मैंने, ऐसा लगता है मेरी वैनिटी में लिपस्टिक से ज्यादा ग्लॉस हो गई, मैं इतनी बड़ी फैन हूँ ना ग्लॉस की, एंड ये ना थोड़ी सी ना प्लम्बर है, मतलब ये थोड़ा सा आपके लिप्स को ना अप्लाई करके दिखाती हूँ, इससे ना हल्की सी सेंसेशन होती है, एंड ये क्लेम करती है कि थोड़ा सा ना आपके लिप्स को पाउटी लुक देगी, मतलब थोड़ा सा ना प्लम करेगी, बट तो मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ, और बट हाँ लगाने के बाद थोड़ी सी मिंट जैसी सेंसेशन होती है। एंड ये है ब्रांड फिजिशियन फॉर्मूला की है, सो ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने अमेजोन से लिए हैं, और इन सबके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ ही साथ एक और लिंक दूंगी विच इज एमेचर स्टोर लिंक। एमेचर स्टोर पे सारे प्रोडक्ट्स आप एक साथ देख सकते हो, अलग अलग लिंक पे क्लिक करके देखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो, एमेचर स्टोर के लिंक पे क्लिक करो, प्रोडक्ट्स देखो, एड टू कार्ट करो एंड बाय करो। सो या चलो स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। मायरा गिफ्ट्स तो पैक हो गए थे मायरा के, और अब ना मुझे मायरा की बस क्लास टीचर्स जो है ना दो, उनके चॉकलेट लेनी है, उनको भी तो चॉकलेट देगी ना मायरा, बस हम डिनर करके निकल ही देते घर पे, नहीं 24/7 आ गई चॉकलेट लेने के लिए, और चॉकलेट लेते हैं फिर फटाफट से चलते हैं घर। चॉकलेट्स आगे होती हैं, आगे होती हैं, सो रही थी बहुत सारे ऑप्शंस देख के, तो फिर मैंने फाइनली यही ले ली, डेरी मिल्क सिल्क।
ये तो हम लोग घर आ गए हैं और अब मैं मायरा का नाइट सूट चेंज करूँ बिकॉज मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी है स्कूल के लिए भी। मायरा के गिफ्ट्स में नाम लिखना है लव फ्रॉम मायरा, स्टिकर्स लगा के मुझे लव फ्रॉम मायरा लिखना है और फिर मुझे उनको अलग से भी तो ड्राइंग रूम में रखे, मैं दिखा दूंगी कैसे। अभी मुझे उनको किसी बैग में भी डालना है ताकि सुबह ले जाने में इजी हो। और मायरा को नाइट सूट डालना है, बेड सही करना है, अपने कपड़े चेंज करने, बहुत सारा काम है। तो आई होप आप लोग ने आज का ब्लॉग एंजॉय करोगे, मेक श्योर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता वो भी कर देना। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट, बाय। क्या क्या गलती कर दी, ये 4 की कंप्लीट हुई है, 5 का करना चाहिए था, हमने 3 का उड़ा के 4 का लगाया, ये 4 साल की हो गई है, 5 में गई। ये वाली रील मायरा के बर्थडे की है एंड सीरियसली गाइस, आप लोगों ने अगर ये इंस्टाग्राम पे नहीं देखी है ना, यहाँ पे तो मैंने नहीं डाली कॉपीराइट की वजह से म्यूज़िक करके, बट आप ये म्यूज़िक के साथ देखना, मायरा और मेरे दोनों के अकाउंट पे डली है। मेरा अकाउंट अगर फॉलो कर रखा है तो मेरे अकाउंट से मायरा के बायो, मेरे बायो में मायरा का इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मायरा को फॉलो कर लेना। बाकी मेरा इंस्टाग्राम भी नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगी अपने इंस्टाग्राम का, देती हूँ हमेशा, वहाँ पे आप देख लेना। मम्मा थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी यहाँ पे, जैसे कि भी मम्मा बोल रही, हमने गलती कर दी, मायरा का 4 नंबर का बैलून उड़ा के 5 लगाना चाहिए था, फिर मैंने जिसमें इतने तमन्ना ने हमने समझाया कि नहीं मम्मा उसका 3 खत्म हो गया और 4 हो गया है स्टार्ट, मतलब 5 स्टार्ट हो गया बट 4 ही रखना था, फिर उनको समझ आया एंड देख लेना ये वाली रील बहुत ही प्यारी बनी है। अभी बज रहे हैं रात के 12:30 और मैंने सारे गिफ्ट्स पे इस तरह से स्लिप लगा ली है और अब मैंने पेपर्स मुझे लिखना है लव फ्रॉम मायरा सैंडी, और मुझे इतनी नींद आ रही है, मुझे इसके बाद कॉमेंट्स भी चेक करने, अगर आपने इंस्टा पे फॉलो करा है तो आपको पता है, पता होगा मैंने 2 रील्स डाली अभी मायरा की और वो इतनी ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा नोटिफिकेशन आ रही है मुझे कि मैंने अपना फ़ोन साइलेंट पे कर दिया है, तो बहुत सारे कमेंट्स भी हैं, मैं वो सारे रीड करके सोऊंगी और पहले मैं ये वाला काम कर लेती हूँ बिकॉज वहाँ पे भी गिफ्ट्स रखे हैं थोड़े से, अभी वहाँ पीछे भी रखे हैं वहाँ पर, इन सब पे मुझे लिख के, ये केक वाला बॉक्स था, मैं सोचूँ इसमें ही देखती हूँ अगर हो जाए सारे के सारे फिक्स तो मैं ये बॉक्स ही ले जाऊँगी सुबह स्कूल, अदरवाइज़ कैरी बैग में मुझे बहुत सारे थोड़े थोड़े होंगे, फिर इसमें देखती हूँ सारे आ जाए, तो मैं ये कर लेती हूँ और बस सोते हैं फिर।